में फ्री में ट्रेडिंग करना भी सीख सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी इस एप्लीकेशन के बारे में देने वाला हूँ कि कैसे आप इस पर अकाउंट बना सकते हैं, कैसे यहाँ पे पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं, जीते हुए पैसों को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। सारी जानकारी इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए हमारे वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, मैंने इसके डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है, जिस ईमेल एड्रेस से आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है। एंड देन आपको यहाँ पे ये टिक ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेता हूँ। तो अकाउंट बनने के बाद आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस मिल जाता है इस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपका एक डेमो अकाउंट क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपको $1000 मिलते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और ये मैं आपको अपने डेमो अकाउंट से बताने वाला हूँ। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एसेट सिलेक्ट करना होगा कि किस एसेट में आप यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ एसेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे चार तरह के एसेट्स मिलते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसी, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक्स। तो इसमें जिसमें भी आपको यहाँ ट्रेडिंग करनी है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं साइड में आपको परसेंटेज भी मिल जाते हैं हर एसेट के साइड में कि कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा आपको अगर उस एसेट में आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यूरोज एंड यूएसडी डॉलर्स में मैं यहाँ करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसे यहाँ पे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आप यहाँ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड अमाउंट यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस पे क्लिक करके आपको अपना अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ $10 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतना अमाउंट मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया, अगर हम इसमें जीत जाते हैं तो हमें यहाँ पे इतना रुपए हम यहाँ पे मिलेंगे। तो अब आपको यहाँ पे ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाते हैं अप एंड डाउन का। तो यहाँ पे आप सामने जो ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन करनी पड़ती है कि जितना भी टाइम आपने यहाँ पे सेट किया, जैसे कि हमारे यहाँ पे 30 सेकंड है, तो हमें यहाँ प्रिडिक्शन करनी है कि 30 सेकंड बाद ये जो ग्राफ है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे आपको यहाँ क्लिक करना है, और अगर आपकी प्रिडिक्शन सही रहती है तो आपको यहाँ पे 92% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम यहाँ प्रिडिक्शन करते हैं कि जो ग्राफ है वो 30 सेकंड बाद ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे आपके ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया है, अब यहाँ पे हमें 30 सेकंड तक वेट करना होगा। अगर ये 30 सेकंड बाद भी इस जो लाइन है इस पॉइंट से ऊपर रहेगा तो हमें यहाँ पे 92% का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर ये इस लाइन से नीचे रहेगा तो हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें वेट करना होगा, तो हम यहाँ वेट कर ले। तो यहाँ पे टाइम खत्म हो गया 30 सेकंड, और 30 सेकंड बाद भी हमारा जो ग्राफ था वो उस पॉइंटर से ऊपर रहा और हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे $10 यहाँ इन्वेस्ट किए थे और मैं इसमें जीत गया हूँ, तो मेरे को यहाँ पे 92% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और मेरा जो टोटल अमाउंट बना है वो $90 बना है। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन पे यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे प्रेडिक्शन करनी पड़ती है कि ये जो ग्राफ है जितना भी टाइम आपने सिलेक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे 30 सेकंड सिलेक्ट किया था, उतने टाइम बाद ये जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे अप एंड डाउन ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस तरह से आप इस एप्लीकेशन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन पे पैसों को डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं और अपने बैंक में या फिर अपने अकाउंट में आप यहाँ पे पैसों को कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, और भी जितने भी ऑप्शंस इसमें बाकी हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है चार्ट टाइप का, तो आप यहाँ पे जो ग्राफ है उसका चार्ट टाइप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप इसे लाइंस कर सकते हैं, कैंडल्स कर सकते हैं, बार्स कर सकते हैं। तो जैसे मुझे कैंडल करना है तो मैं कैंडल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो ये जो ग्राफ है ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडल्स में यहाँ पे शो होने लग रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये कितने सेकंड में या फिर कितने मिनट में यहाँ पे अपडेट होगा, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे टूल्स का मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स और ड्राइंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग करते समय आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है ऑर्डर्स का, तो यहाँ पे आप जितने भी करंट ऑर्डर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपने जितनी भी ट्रेडिंग की है उसकी हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद आखिरी में आपको टूर्नामेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे टूर्नामेंट्स देख सकते हैं। तो यहाँ करंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने भी अभी टूर्नामेंट चल रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पैसे वाले टूर्नामेंट भी मिल जाएंगे और फ्री वाले भी मिल जाएंगे। आप इन्हें ज्वाइन करके यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल का। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे डिपॉजिट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिपॉजिट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिपॉजिट रियल अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जियो वॉलेट से आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं पैसों को, या मोबीक्विक का ऑप्शन मिल जाता है, एयरटेल वॉलेट, फोन पे का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ नीचे आएंगे तो यूपीआई का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे मुझे यूपीआई से करना है तो मैं यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है $10 का। तो आपको यहाँ पे $10 मिनिमम आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने ही होंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूपीआई पिन, यहाँ पे यूपीआई नंबर यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पे पैसों को यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे थ्री लाइन का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी है या फिर आपको जो भी मेथड से आपको यहाँ पे विड्रॉल लेना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप इसे यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं पैसों को। आप यहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है वो $10 तक आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं अपने किसी वॉलेट में या फिर अपने बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे अलग से वीडियो बना के दिखाऊं कि यहाँ पे पैसों को कैसे विड्रॉल लेते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है चैट का। तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं लोगों से और भी जितने भी ट्रेडर्स हैं यहाँ पे पॉकेट ऑप्शन पे, उससे आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ओपन ही हो रहा है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं बाकी ट्रेडर्स से। उसके बाद आप यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनके सपोर्ट चैट से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है ओवर एप्स का। तो यहाँ पे इनके खुद के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं एनालिटिक के लिए, सिग्नल्स के लिए और स्ट्रेटेजीज के लिए। तो आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आखिरी में आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस एप्लीकेशन से लॉग आउट भी